नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे और आज अपना जो टॉपिक है वो है अकबर के बाद जो भारत का शासक बना उसका नाम है जहांगीर, वही अपना टॉपिक है। जहांगीर और नेक्स्ट उन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया। 1605 से 1627 तक वह मुगल सल्तनत या मुगल बादशाह रहा और यह जहांगीर की प्रथम क्लास पार। क्लियर बच्चों, आज हम जहांगीर उसके शासनकाल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जहांगीर का प्रारंभिक जीवन वो देखने के बाद हम उसके बाद आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं कि अकबर के तीन पुत्र थे, उनमें से जहांगीर ही जीवित बचा था। बाकी दो पुत्र अत्यधिक सुरापान करने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। सलीम का जो जन्म हुआ था वो अकबर ने जब जयपुर की राजकुमारी से विवाह किया था तो उन दोनों से सलीम का जन्म हुआ था और यह माना जाता है कि अकबर ने सलीम के जन्म के लिए बहुत सी मिन्नतें की थी, बहुत सी आराधनाएं की थी जब जाकर सलीम का जन्म हुआ। और शेख सलीम चिश्ती के नाम से इनका नाम सलीम रखा गया जो आगे जहांगीर बना। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है और उन्हीं के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था और उन्हीं से उनके नाम से इसका नाम भी सलीम रखा गया। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अजमेर पैदल जियारत की थी, इसको इसके जन्म के बाद या इसके जन्म के पहले भी की थी कि मेरे पुत्र हों। क्लियर, ये जनरली सलीम के बारे में बताया जाता है। जहांगीर का जन्म अनेक आराध्याओं का परिणाम था, अकबर के सभी पुत्र उसके युवा काल में ही चल बसे। उसकी यह उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि उसके विशाल साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए उसे ऐसे युवराज की प्राप्ति हो। उसने भगवत आराधना की, संतों से आशीर्वाद संचित किया, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक पैदल यात्रा गया। तात्कालिक अन्य संतों की सेवा भी उसने इसी स्वार्थ से की। अंतोगत्वा फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती ने सम्राट को तीन पुत्र देने का आशीर्वाद दिया। तब 1569 को अकबर की बेगम जयपुर की राजकुमारी मरियम उजमानी गर्भवती हुई और वह शेख की कुटी में भेज दी गई। 30 अगस्त 1569 को उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम का आधार ही सुल्तान मोहम्मद सलीम रखा गया। यानी 30 अगस्त 1569 को उसका जन्म हुआ। और उसका नाम सलीम रखा गया। अकबर उसे शेखो बाबा ही कहता था। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अकबर ने पैदल चलकर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की यात्रा संपन्न की। नवजात शिशु का पूर्ण सतर्कता एवं लाड़ प्यार तथा लालन पालन फतेहपुर सीकरी में ही हुआ एवं काल प्राप्त होने के लिए नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में, जहां अकबर ने सुरम्य भवनों से घिरे हुए विशाल प्रासादों का निर्माण करवाया, उसके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की, यानी उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी वहाँ की। उसका विद्या आरंभ 28 नवंबर 1569 को मनाया गया। राजकुमार को फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल तथा अन्य उपयोगी शास्त्रों का सम्यक ज्ञान देने के लिए एक के बाद एक दूसरे योग्य आचार्य नियुक्त किए गए। क्लियर, परंतु इस संपूर्ण विज्ञान मंडली में
जिस एक पुरुष के व्यक्तित्व ने उसके मस्तिष्क पर अमर छाप लगाई वह था अब्दुल रहीम खान खाना। वह एक सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी का प्रकांड पंडित था। वह एक कुशल सैनिक, धुरंधर राजनीतिज्ञ भी था। इसी व्यक्ति के शिक्षत्व में सलीम ने फारसी पर अधिकार प्राप्त किया। तुर्की और हिंदी का भी प्रचुर ज्ञान प्राप्त किया। फारसी में पद रचना करना भी उसने सीखा। हिंदी गद्य उसके प्रिय विषय थे। उसे भूगोल और इतिहास का अध्ययन कराया गया। उद्भिज और प्राणीशास्त्र, संगीत और चित्रकला एवं अन्य जीवन कलाओं में भी वह रुचि लेने लगा। साथ ही वह शारीरिक और सैनिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें उसने व्यायाम, अस्त्र शस्त्र का सुनिश्चित प्रयोग सीखा। कालांतर में वह एक लक्ष्यभेदी और शक्तिशाली आर्किटेक्ट बन गया। यानी उसकी जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी, अकबर बहुत ही चाव के साथ उसे वह पूरी करवाई। उसको पढ़ाया लिखाया, उसको अस्त्र शस्त्र, व्यायाम आदि की शिक्षा उसने दी। तात्कालीन प्रथा अनुसार अल्पावस्था में ही उसे सैन्य व्यवस्था के साथ संबंधित होना पड़ा। 1581 में काबुल के आक्रमण के अवसर पर उसे सेना की एक टुकड़ी का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। तत्पश्चात उस स्वतंत्र रूप से सैन्य शासन के साथ ही प्रजा शासन की भी शिक्षा दी गई। 1577 में उसे 10,000 और 1585 में उसे 12,000 की मनसबदारी की उपाधि प्रदान किया गया। 15 वर्ष की आयु में सलीम की सगाई अपनी ममेरी बहन आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ। यानी इनका जो 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था वो इनके मामा की लड़की भगवान दास जी की पुत्री मानबाई से हुआ था। विवाह संस्कार हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रणालियों द्वारा 13 फरवरी 1585 को संपन्न हुआ। यानी 1585 में उनका विवाह किया गया। राजा भगवान दास ने अमूल्य दान दहेज दिया। अभागा खुसरो जिसकी जीवन दुर्दिनों में बीता और जिसकी अत्यंत मार्मिक मृत्यु हुई, इसी दाम्पत्य की देन है। यानी खुसरो इसी दाम्पत्य की देन है मानबाई और सलीम से, जहांगीर से खुसरो, वो अत्यंत बुरी मौत मरा था, वो इसी दाम्पत्य की देन था। जहांगीर मानबाई में प्रचुर रूपेण अनुरक्त था। उसे शाह बेगम का पद प्राप्त था। मानबाई ने 1604 ईस्वी में अपने पुत्र के पितृभक्ति विहीन व्यवहार से आंतरिक अपवाद अवसाद पाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से जहांगीर पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 4 दिन तक पानी अथवा भोजन को स्पर्श नहीं किया। यानी उनकी पत्नी की डेथ हो गई, शाह बेगम की जो मानबाई थी। मानबाई के जीवन काल में ही सलीम ने अन्य रमणियों से विवाह कर लिया था, जिसमें से मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाद में तो उसके अंत्यपुर में स्त्रियों की संख्या 800 हो गई। थोड़ी आयु में ही उसने सुरापान प्रारंभ कर दिया, जिसका उसे व्यसन हो गया। यानी उसे आदत लग गई। वह इंद्रिय जन्य भोग का व्यसन भी काफी हो गया था। क्लियर, ये उसके जो प्रारंभिक जीवन है उसमें उसने कैसे सैन्य संचालन सीखा, कैसे विवाह किया और कैसे अन्य विवाह किए, और वह शराब का आदि हो गया, किंतु अभी तक अकबर जीवित था। सलीम का विद्रोह। सलीम के असंयमित चरित्र एवं मद तथा भोगों के व्यसन में पड़ जाने से अकबर बड़ा असंतोष हुआ। अकबर को बड़ा असंतोष हुआ। उसने शिक्षा और दंड भेद दोनों ही प्रकार से उसे सुधारने का यत्न किया। यानी उसे समझाकर या दंड देकर उसे सुधारने का प्रयत्न किया। परंतु पिता और पुत्र के बीच भेदभाव उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा। यानी पिता और पुत्र के मध्य जो भेदभाव था, एक दूसरे के प्रति जो बात थी, वो और बढ़ती गई भेदभाव, क्योंकि सलीम अपने पिता की मृत्यु से पूर्व ही उसके वैभव एवं राजसत्ता का अधिकार लेना चाहता था। यानी अकबर के जीते जी ही वह राजसत्ता और राज वैभव प्राप्त करना चाहता था। कुछ यूरोपियन
विद्वानों का मत है कि अकबर की इस्लाम के प्रति उदासीनता एवं सलीम की उसके प्रति संरक्षक भावना ही उस भेदभाव के कारण प्रमुख था। यानी अकबर इस्लाम के प्रति उदासीन था तो वही जहांगीर उसके प्रति सचेत था। अतः यही कारण बना कि दोनों में मनमुटाव और भेदभाव बढ़ता गया। परंतु वह निराधार जान पड़ता है। सलीम इस्लाम का कट्टर अनुयायी कभी न था और न ही उसकी संरक्षणता करने में समर्थ था। पिता और पुत्र के बीच का भेदभाव 1591 में दिखाई दिया जब अकबर की बीमारी में विष देने का संदेह उस पर गया। यानी 1591 में अकबर बीमार हुआ तो उसे जहर देने की घटना घटी। यह संदेह निर्मूल था 1599 में जब अकबर ने खानदेश की विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। सलीम को मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह पर आक्रमण करने भेजा। यानी उसी समय सलीम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा जहाँ महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह जी संघर्ष कर रहे थे, वहीं अकबर खानदेश जीतने गए थे। परंतु मेवाड़ में जाकर वह अजमेर में ही घूमता रहा, किंतु जहांगीर मेवाड़ नहीं गया और अजमेर में ही घूमता रहा। कुसंगत एवं महत्वाकांक्षा से पराभूत हो कुल्लम कुल्ला विद्रोह करने पर उतारू हो गया। अतः यहाँ अकबर का पुत्र सलीम कुल्लम कुल्ला विद्रोह करने पर उतारू हो गया। यहाँ से सलीम लगभग 1 करोड़ रुपए तथा उन्हीं दिनों मरे हुए शाहबाज खां कंबो की संपत्ति प्राप्त कर आगरे के किले को 2 करोड़ रुपए के मूल्य वाले कोष पर अधिकार करने को अग्रसर हो गया। यानी 1 करोड़ तो मिल गया, फिर उस सेनापति की संपत्ति प्राप्त कर आगरा के किले में चला गया और वहां पर 2 करोड़ रुपए प्राप्त करने का अवसर ढूंढने लगा। इसमें वह सफल न हो सका, अतः यमुना पार कर वह प्रयाग चला गया जहाँ उसने अपने दरबार स्थापित कर लिया। यानी प्रयाग गया और वहां पर अपना दरबार स्थापित कर लिया। बिहार का एक भाग भी उसने अपने अधीन कर स्वतंत्र नरेश बन बैठा। यानी अपने पिता के जीते जी वह बिहार के एक भाग को जीत लिया और वहां का स्वतंत्र शासक बन बैठा। बिहार के राजकोष से उसने 30 लाख रुपए हथियार लिए। इन प्रदेशों की व्यवस्था करने के लिए शासक को भी नियुक्ति कर दी। यानी इनकी व्यवस्था करने के लिए अपना प्रशासन और अपना प्रशासक भी नियुक्त कर दिया। इस विद्रोह का समाचार अकबर को असीमगढ़ में मिला, जिसके फलस्वरूप उसने ख्वाजा मोहम्मद शरीफ को सलीम का मित्र तथा बाल सखा था। यानी ख्वाजा मोहम्मद शरीफ जो सलीम का बाल सखा था उसको उसे समझाने के लिए भेजा, उसे शांति स्थापना करने के लिए भेजा। परंतु स्वयं सलीम से जा मिला, यानी वो बाल सखा भी सलीम से जाकर मिल गया, उसके अधीनस्थ प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। इन घटनाक्रमों से विवश होकर अकबर को असीरगढ़ का युद्ध बंद करना पड़ा और मध्य आगरा आना पड़ा। सलीम भी 30,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए यह कहते हुए आगे बढ़ा कि उसने अपने पिता को अभ्यर्थना हेतु भेजा जा रहा है। रास्ते में वह डकैतों लूटमार करता गया, डकैती भी करता गया, लूटमार भी करता गया। सम्राट ने शहजादे को अपनी सेना का विच्छेदन करने एवं तुरंत प्रयाग लौटने की आदेश दिया। सलीम को सम्राट द्वारा शक्ति प्रयोग में अपनी पराजय का भय लग रहा था, अतः अपनी राज्य शक्ति और विश्वसनीयता का वचन भिजवाया। सम्राट ने उसे क्षमा कर बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर बना दिया। तब सलीम इलाहाबाद लौट आया, परंतु अपनी बुरी भावनाओं को नहीं छोड़ पाया। बिहार और उड़ीसा का चार्ज नहीं लिया, उसने लेरिस का पद ग्रहण किया और नियमित रूप से दरबार लगान फरमान जारी करना तथा मनसब तथा जागीर प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। यानी एक बादशाह द्वारा जो किए गए कार्य थे वह सारे के सारे करने लग गया। गोवा में पुर्तगालियों से सैनिक सहायता प्राप्त करने का असफल प्रयत्न भी उसने किया। इस विद्रोह से विकल हो अकबर ने अबुल फजल को दक्षिण से परामर्शार्थ बुलाया, परंतु सलीम ने 19 अगस्त 1602 को बरकी सराय और अंतरी के बीच ओरछा के वीर सिंह नामक विद्रोही से अबुल फजल की हत्या करवा दी। यानी अबुल फजल को जब दक्षिण से बुलाया गया उसको विचार करने के लिए सलीम ने विद्रोह कर दिया, किंतु सलीम ने रास्ते में वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या करवा दी। इस समाचार को सुनते ही अकबर शोक और अमर्ष में डूब गया। यानी अकबर अब शोक में डूब गया और गुस्से में तिलमिला उठा। जनता के समक्ष 3 दिन तक न आया। उसने सलीम की निंदा की और वीर सिंह को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, परंतु वह भाग निकला, आगे चलकर जहांगीर का कृपा पात्र बना रहा। यद्यपि सलीम को अमानुषिक व्यवहार के रूप में दंड देना मिलना चाहिए, परंतु अकबर ने ऐसा ठीक न समझा।
सम्राट का दूसरा पुत्र मुराद पहले ही मर चुका था, तीसरा पुत्र दानियाल सने सने अवसान को प्राप्त हो रहा था। यानी मुराद और दानियाल अकबर के दो अन्य पुत्र थे, वह दोनों ही एक मर चुका था, एक मृत्यु की कगार पर खड़ा था। खुसरो अभी अत्यंत अल्पवयस्क था। अंतिम खुसरो सलीम का पुत्र। अंतिमपुर की स्त्रियों ने भी सम्राट की बीती बातें भूलने और सलीम को क्षमा प्रदान करने की प्रार्थना की। जहांगीर की भी माता सलीमा बेगम ने शांति स्थापना स्थापना प्रयाग जाने के लिए सम्राट से प्रार्थना की जो स्वीकृत हो गई। उसने सलीमा को सीधे मार्ग पर लाने का कार्य संपन्न किया। यानी उसने सलीमा बेगम ने सलीम को सीधे मार्ग पर लाने का प्रयास किया। सलीम आगरा आया और उसकी पितामही मरियम मक्कानी ने उसे अकबर के समक्ष ले जाकर उसके चरणों में नत कर दिया। अकबर ने उसे उठाकर आलिंगन किया। सलीम ने सम्राट को 770 हाथी 12,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। अकबर ने न केवल इतनी शीलता से उसे क्षमा ही प्रदान किया, अभी तो उसे अपना युवराज भी घोषित कर पुरस्कृत किया। कुसंग के विषद परिणामों से दूर करने के लिए अकबर ने जहांगीर को 14 अक्टूबर 1603 में को मेवाड़ के लिए भेजा। वह 1599 में नहीं कर पाया था। सलीम फतेहपुर सीकरी तक गया, परंतु अपने को राणा के समक्ष आसक्त समर्थ देख उसने प्रयाग लौट जाने के लिए आज्ञा मांगी। यानी वह महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई ऐसा और अमर सिंह के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं कर सकता था, असमर्थ पाया, अतः वह प्रयाग लौटने की आज्ञा मांगी। अकबर ने यह प्रार्थना मान ली। प्रयाग आकर शहजादा फिर दुराचरण में फंस गया, पुनः अर्ध स्वतंत्र राष्ट्र सत्ता का आविर्भाव कर बैठा। अकबर इस बात से अत्यंत क्रोधित हुआ और शहजादे को बलपूर्वक सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रयाग जाने की तैयारी करने लगा। अपनी माता की अस्वस्थता और मृत्यु के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। अकबर की माता का अस्वस्थ हो गई थी, परिणित नहीं कर सका। अकबर के सलीम के पुत्र खुसरो को उत्तराधिकारी देने की ठानी। यानी अकबर ने अब सलीम का जो पुत्र था खुसरो, जो भगवान दास की बहन से हुआ था, उसको उत्तराधिकारी बनाने की ठानी। वह आमेर के राजा मानसिंह का भांजा मिर्जा अजीज कोका का दामाद होने के कारण साम्राज्य के 200 विख्यात वीर वंशों से संबंधित भी था और उसकी आयु इस समय 17 वर्ष की थी। उसकी आकृति सुंदर एवं आचार विचार व्यवहार प्रभावपूर्ण था। उसका व्यक्तिगत जीवन भी निरापवाद था, परंतु सलीम के जीवन पर्यंत खुसरो का उत्तराधिकारी बनाना भी असंगत होता है। इस कारण अकबर को यह विचार त्यागना पड़ा। सलीम ने भी अपनी स्वार्थ रक्षा के हितार्थ अपने पिता के पास आगरा जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। यानी सलीम ने आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा और वह आगरा कर आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए अपनी मातामही के देहावसान के उपलक्ष्य में अकबर के प्रति संवेदनाएं प्रदर्शित की और दरबार में उपस्थित हुआ। यानी सलीमा बेगम का अंतकाल हो गया था, अब वह आगरा कर पिता पर सांत्वना दी उनको और वह दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर अपने दरबार आम दरबार में सादर मिला, परंतु राजप्रसाद में उसे दुराभिचार के लिए उसकी निंदा की, मुंह पर तमाचा मारा और हकीम की संरक्षकता में एक स्नानागार में बंदी बना लिया गया। 10 दिन के कारावास के उपरांत शहजादा मुक्त कर दिया गया और उसे पुनः स्नेह पात्र बना लिया गया। 20 अप्रैल 1604 को अकबर के सबसे छोटे पुत्र दानियाल के मर जाने के उपरांत सलीम अकेला ही पुत्र जीवित था और उत्तराधिकारी बचा रहा, अतः भविष्य में उसे किसी प्रकार से दंडित न करने का अब अकबर ने निश्चय कर लिया। यानी उसका जो सबसे पुत्र छोटा था दानियाल, वो भी मर गया और सलीम एकमात्र पुत्र था, अब उसे दंडित करने का नहीं सोचा और वही जीवित उसका उत्तराधिकारी बचा था। इन्हीं दिनों अकबर का स्वास्थ्य भी दिनों दिन क्षीण होने लगा। 3 अक्टूबर 1605 ईस्वी को उसे संग्रहणी हुई और दिनों दिन उसकी दशा गिरती हुई। दरबार में दो दल बन गए, एक सलीम के पक्ष में था, दूसरा उसके पुत्र खुसरो के पक्ष में था। मानसिंह मिर्जा अजीज कोका सलीम के दमन और खुसरो के राज्याभिषेक के पक्ष में थे, परंतु उसके अनुयायी अल्पसंख्या में थे। यानी वह खुसरो को राज सिंहासन दिलाना चाहते थे, किंतु वह कम लोग थे। रामदास कछवा ने सलीम के हितों की रक्षा के लिए राजकोष पर अपने राजपूतों का पहरा लगवा दिया। बहुत से मुसलमान सरदार, जिन्हें 12 के सैयद भी शामिल थे, उनके पक्ष में हो गए। 21 अक्टूबर को मरणासन सम्राट ने अपनी राजकीय पगड़ी और कटार द्वारा सलीम को आभूषित कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
25-26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अर्धरात्रि को अकबर की मृत्यु हो गई। इस समय सलीम का पक्ष खुसरो की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस पक्ष ने सलीम से पहले ही इस्लाम की रक्षा तथा खुसरो तथा उसके पक्ष के लोगों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा करवा ली थी। उसका राज्याभिषेक अकबर की मृत्यु के 8वें दिन निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इस प्रकार आपने देखा सलीम का जो प्रारंभिक जीवन है, उसका जीवन परिचय है, किस प्रकार वह भारत का शासक बना, इसके विभिन्न विभिन्न जो आपके सामने मैंने पक्ष रखे, और वह भारत का सम्राट बना। राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605, को जहांगीर शासक बन गया और अकबर का एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी था और अकबर ने उसे अपनी कटार और पगड़ी भेंट की। उसके बाद वह भारत का जो मुगल बादशाह बना। जहांगीर का राज्याभिषेक गुरुवार 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा में संपन्न हुआ। अपने मस्तक पर उसने अपने ही हाथों राजमुकुट रखा, यानी स्वयं ने ही राजमुकुट धारण किया और नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। क्या उपाधि थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। अनेक कारावास से मुक्त किए गए और उसके नाम से सिक्के चलने लगे। निम्न 12 प्रसिद्ध निबंधों में उसने अपनी नीति की घोषणा की, यानी जहांगीर ने 12 प्रसिद्ध घोषणाएं की। पहली, तमगा नामी महसूल जिसे मीर बहरी तथा अन्य महसूल सम्मिलित थे उसे बंद कर दिया, यानी तमगा नामी महसूल उसने बंद करवा दिया। उसने सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद और कुओं का निर्माण करने का आदेश दिया। यह आदेश शेरशाह के काल से ही चला आ रहा था और उसने भी यही आदेश दिया। व्यापारियों की जानकारी और स्वीकृति बिना उनके व्यवसायों व्यापारियों की जानकारी और स्वीकृति बिना उनके सामान की गांठ खोलना बंद कर दिया गया, यानी जो व्यवसाय कर रहा है व्यापारी, उसकी स्वीकृति बिना किसी भी जो सामान है उसकी गांठ नहीं खोली जाएगी। मृत्यु के पश्चात किसी मनुष्य की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को मिलने की अवस्था की। यदि मृत पुरुष का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो यह संपत्ति राज्य पदाधिकारी के संरक्षण में जमा की जाती और सार्वजनिक भवनों के निर्माण जीर्णोद्धार में उपयोग में लाई जाती। यानी अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो पहले उसकी खोज की जाती और वह नहीं मिलता तो वह जो उसकी संपत्ति थी उसको राजकीय राजकोष में ले ली जाती और सार्वजनिक निर्माण जीर्णोद्धार में वह उपयोग में लाई जाती थी। मद्य तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण एवं क्रय निषेध कर दिया गया, यानी शराब और अन्य जो नशीले पेय पदार्थ थे, खाद्य पदार्थ थे, उनका निर्माण और उनको क्रय करना, खरीदना निषेध कर दिया गया। बेचना भी निषेध कर दिया गया। राजकीय कर्मचारियों को किसी के घर बलपूर्वक अधिकार कर लेने की मनाही कर दी, यानी जो राजकीय कर्मचारी हैं वो किसी के घर में बलात् नहीं घुसेंगे और उन पर अधिकार नहीं करेंगे। नाक या कान काटने के दंड को उसने अवैध घोषित कर दिया, यानी अंग भंग में नाक काटा जाता था, कान काटा जाता था, उसको अवैध घोषित कर दिया। कृषकों की भूमि बलपूर्वक लेने की मनाही की गई, यानी जो भी किसान है, रैयत है, उनकी भूमि को बलपूर्वक नहीं छीना जाएगा। नमी, सम्राट की आज्ञा बिना जागीरदार अथवा परगनाधीश अपने परगने में किसी व्यक्ति के साथ विवाह सूत्र में बद्ध नहीं हो सकता था, यानी सम्राट की आज्ञा के बिना जो जागीरदार है, परगनाधीश है और अपने परगने में किसी भी व्यक्ति के साथ विवाहिक सूत्र में बद्ध नहीं हो सकता, यानी परगनाधीश और जागीरदार को अपने परगने में अगर किसी से वैवाहिक संबंध स्थापित करना है तो वो पहले मेरी आज्ञा लेगा। दोनों और असहायों की चिकित्सा के लिए सरकारी औषधालय की स्थापना की गई, यानी सरकारी औषधालयों की स्थापना की गई जिससे लोगों की तामीरदारी चिकित्सा हो सके। साल के कुछ दिनों में पशु हत्या अवैध मानी गई। सप्ताह के 2 दिन गुरुवार और रविवार को, गुरुवार को जहांगीर सत्तारूढ़ हुआ था, रविवार को जो अकबर का जन्मदिवस था,
पशु हत्या बंद की गई, यानी सप्ताह में दो दिन पशु हत्या नहीं की जाती थी, रविवार और गुरुवार को। अकबर के समय समस्त कर्मचारी एवं जागीरदार अपने पदों पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिए गए, यानी अकबर के जो समय में समस्त जो कर्मचारी थे वो वापस अपने अपने पदों पर नियुक्त कर दिए गए। ये 12 घोषणाएं जहांगीर ने की। यमुना तट पर एक स्थान से आगरा का किला के शाह बुर्ज तक घंटी लगी हुई एक स्वर्ण जंजीर लगाई गई, जिसके न्यायाधीश किसी राज्य कर्मचारी अथवा सेवक की सहायता बिना घंटी बजाकर सीधे सम्राट से फरियाद की जा सकती है। यानी यमुना के तट के स्थान से आगरा के किले के शाह बुर्ज तक घंटियां लगाई गई, जिनमें अगर कोई फरियादी सीधे बादशाह को फरियाद करना चाहता है तो आकर उस घंटी को बजाए, बादशाह सलामत स्वयं उसकी फरियाद को सुनेंगे। अकबर के राज्यकाल के अंतिम दिनों में जो छोटे बड़े राज्य अधिकारी थे, जहांगीर ने उन्हें ज्यों के त्यों बने रहने दिया। कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी उसने, उसका व्यवहार प्रतिकूल तक था, अभिवृद्धि प्रदान की। यानी ऐसे भी व्यक्ति थे, कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो जहांगीर के समय उसके विरोधी थे, किंतु जहांगीर ने भेदभाव नहीं किया और उनको भी अभिवृद्धि की, उनको भी पदोन्नति दी। अब्दुल रजाक मामूरा और ख्वाजा अब्दुल्ला को, जिन्होंने उसे छोड़कर अकबर का पक्ष ग्रहण कर लिया था, अपने अपने पदों पर बने रहने दिया। अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रही 2000 मनसबदार के पद पर नियुक्त किया गया। मान सिंह और अजीत कोकाओ को भी, जिन्होंने खुसरो के राज्य रोहन के लिए पक्ष लिया था, क्षमा कर दिया और उन्हें अपने पद से नहीं हटाया गया। यानी अजीत कोका और मान सिंह जो खुसरो के पक्ष में थे, उन्होंने जहांगीर से अपोजिट बात कही, किंतु उन्हें भी अपने पद पर रहने दिया, उन्हें नहीं हटाया। परंतु उनकी सत्ता अकबर के समय बराबर नहीं रही। यानी जो बात अकबर के समय थी वो जहांगीर के समय उनके लिए नहीं थी। बंगाल का गवर्नर मान सिंह के स्थान पर सलीम का कृपा पात्र कुतुबुद्दीन कोका को बनाया गया। संभवतः कृतज्ञ जहांगीर ने अपने अनेक कृपा पात्रों को, जिसने कई विशेष योग्यता नहीं थी, अच्छे अच्छे प्रदान किए, पद प्रदान किए। यानी जहांगीर ने अपने जो कृपा पात्र थे वो भले योग्य न हो, फिर भी उनको ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। शफी खां प्रधानमंत्री, शरीफ खां प्रधानमंत्री बनाया गया। कुतुबुद्दीन कोका, ओरछा का भीम सिंह देवी, इसी वर्ग में कुछ व्यक्ति थे। यानी ये 2-3 व्यक्ति हैं, ये योग्य नहीं थे। वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी, वो योग्य नहीं था, फिर भी उसे ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए गए। नव नियुक्त पदाधिकारियों में 2 विशेष रूप से योग्य पात्र थे। एक था नूरजहां का पिता गियास बे, जो दीवान अथवा राज्य का कर मंत्री था, और दूसरा था एतमाउद्दौला की उपाधि से वशीभूत किया गया। यानी मिर्जा गयास बे, जो उस समय दीवान अथवा राज्य कर मंत्री था, उसे एतमाउद्दौला की उपाधि दी गई। दूसरा जमान बे को महापत खां की उपाधि दी गई और उसे 1500 मनसबदार बना दिया गया। यानी ये 2 विशेष व्यक्ति थे, उनको विशेष पदों पर नियुक्त किया। खुसरो का विद्रोह। अकबर के बाद जहांगीर ने शासक बनते ही अपने जो कृपा पात्र व्यक्ति थे उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर उनका मनोनयन किया, नियुक्ति की। उसके बाद उसके समय में खुसरो का विद्रोह हो गया। क्लियर? खुसरो का विद्रोह। खुसरो जहांगीर और मानसिंह का भुआ का लड़का था। जहांगीर के राज्य और रोहन के कुछ महीने के भीतर ही उसके ज्येष्ठतम पुत्र खुसरो उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो ने मामा आमेर के राजा मानसिंह की मध्यस्थता के कारण, यानी मेरा भाई था, उसके मामा थे, सॉरी, भगवंत दास की पुत्री का पुत्र था और सलीम का बेटा था, उन दोनों का विवाह हुआ था। तो उसके मामा मानसिंह की मध्यस्थता के कारण जहांगीर ने खुसरो को उसके गत व्यवहार के लिए क्षमा कर दिया, परंतु मानसिंह के बंगाल जाते ही उसे आगरे के किले के एक भाग में बंदी बना लिया। खुसरो अपने भूतकाल में पितामह की गद्दी पर बैठने के स्वर्णिम क्षणों एवं दरबार के शक्तिशाली सरदारों के
पक्षपात के दुखद गौरव को अपने मानस पटल को दूर न कर सका। अतः निरादरपूर्ण व्यवहार के प्रति वह सहिष्णु न रह सका। वह इससे मुक्त होकर उस राजसत्ता को हत्याने का प्रयत्न करने लगा, किसी समय उसके हस्तगत होते होते बची थी। 350 असुरियों के साथ 6 अप्रैल 1606 को संध्या को सिकंदरी में आगरे अकबर के दरगाह को देखने के बहाने वह निकल भागा और शीघ्र दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ। मार्ग में 300 असुरियों के नायक हुसैन बेग बदख्शी उससे आ मिले। सने उसके अनुयायियों की संख्या 1200 तक पहुंच गई। तब शहजादा खुसरो ने राजकीय रक्षक दल पर हमला कर 1,00,000 रुपयों का अधिकार जमा लिया। दिल्ली होते हुए वह लाहौर पहुंचा, जहां इसे प्रांत का दीवान अब्दुल रहीम खान आ मिला। शहजादे ने अब्दुल रहीमान को अपना मंत्री नियुक्त किया और तरन तारण में खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। यानी तरन तारण पहुंचा और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। लाहौर पहुंचकर वह वहां के दुर्ग को उद्देश्य गवर्नर दिलावर खान द्वारा सुरक्षित पाया। नगर के पट बंद थे। खुसरो ने विजय की चेष्टा की किंतु निष्फल रहा। खुसरो के पलायन के कुछ घंटे बाद ही सम्राट को उसके भागने का समाचार ज्ञात हो गया। उसे पकड़ने के लिए शेख फरीद की अध्यक्षता में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई। स्वयं लाहौर जाकर सम्राट ने प्रतिक्षण इस उपादान में लगाया। इसी समय लाहौर में शहजादे ने घेर रखा था। 2 व्यक्तियों द्वारा घेरे जाने की आकांक्षा से खुसरो ने अपनी सेना की एक टुकड़ी लाहौर में के घेरे में छोड़ दी और स्वयं 10,000 सैनिकों की अध्यक्षता में राज्य सेना से मुठभेड़ करने के लिए अग्रसर हुआ। जहांगीर के शांतिकालीन उपकरणों द्वारा अपने पुत्र को अनुकूल लाना चाहा, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से उसे अपने अनुकूल लाना चाहा, परंतु जब वह निष्फल रहे तो बेरावाल के मैदान में दोनों सेनाओं को युद्ध हुआ। यद्यपि खुसरो की सेना की संख्या अधिक थी, फिर भी वह पराजित हुआ। अपने चुने हुए विश्वस्त मित्रों और अब्दुल रहीमान एवं हुसैन बेग आदि को के साथ भाग खड़ा हुआ। इस झेलम झमेले में उसका रत्न मंजूषा रह गया, जो कि साम्राज्य पक्षी लोगों की के हाथ लगा। हुसैन बेग ने परामर्श दिया कि काबुल को परास्त कर वहां दिल्ली पर आक्रमण सिंहासन पर प्रभुत्व को जमाया जा सकता है। तब खुसरो ने शाहपुर की घाट पर चिनाब नदी की पार कर, परंतु वह साथियों सहित अपनी खोज में भेजे गए पुरुषों द्वारा पकड़ा गया। जहांगीर उस समय लाहौर में था। शहजादे को बंदी बनाकर समाचार सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, अपने शिविर में लाने का आदेश दिया। यानी जहांगीर के जो विश्वस्त पात्र थे उसने उसको पकड़ लिया और जहांगीर के सामने उसे लाया गया। 1 मई 1607 को हथकड़ी पहने खुसरो को बंदीपूर्ण में पूरे दरबार में बैठे हुए सम्राट के सम्मुख लाया गया। खुसरो के दाई और हुसैन बेग और बाई और अब्दुल रहमान था। शहजादा थरथर कांप रहा था तथा रुदन कर रहा था, रो रहा था। अपने सम्राट के सम्मुख दंडवत करने का प्रयत्न किया, परंतु उसे स्थान पर खड़े रहने का आदेश मिला। विद्रोही शहजादे की सम्राट ने कटु आलोचना की और उसे बंदी बनाने का आदेश दिया और अन्य अनुयायी हुसैन बेग और अब्दुल रहमान क्रमशः बैल और गधे की ताजी खाल में सी दिए गए। यानी बैल और गधे की खाल में उन दोनों व्यक्तियों को सिल दिया गया, यानी जिंदा को सिल दिए गए। गधे की पूंछ की ओर मुंह कर उन्हें गधों पर चढ़ाकर लाहौर की सड़कों पर घुमाया गया। यानी गधे की जो पूंछ थी वहां उनका मुंह रखा और उन्हें सिला गया और उन्हें लाहौर की सड़कों पर घुमाया गया। हुसैन बेग 12 घंटे के अंदर मर गया। अब्दुल रहमान 24 घंटे भर की दंड यात्राओं के पश्चात मुक्त कर दिया गया। यानी एक को 24 घंटे तक यात्रा मिली, फिर उसे मुक्त किया गया। खुसरो के अन्य छोटे अनुयायी को 1 मील लंबी सूली पर कतार से लटका दिया गया और स्वयं उसे एक हाथी पर आरूढ़ होकर इन कतारों के बीच ले आया लाया गया। जाते समय उसे व्यंग्यपूर्वक अपने सहचरों के सम्मान ग्रहण करने का आदेश दिया गया। इस विभत्स कांड ने उसके कोमल हृदय को शोक कल पल्लवित कर दिया, जिसके फलस्वरूप कई दिनों तक वह रो रो कर काटे। जहांगीर अब गुरु अर्जुन देव की ओर अग्रसर हुआ। उन्होंने खुसरो को आगरा लाहौर जाते समय अपने आशीर्वाद का पात्र बनाया था। सम्राट की दृष्टि में एक राजद्रोही को अवलंब देने के कारण वह अपराधी थे। किंवदंती है कि जहांगीर ने अर्जुन देव सिंह पर 2,00,000 रुपये का दंड देने का निश्चय किया। गुरु ने देने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मृत्युदंड दिया गया। सम्राट का यह कार्य विवेक शून्य था और उसे
गुरु अर्जुन देव जैसे धार्मिक व्यक्ति के साथ एक साधारण व्यक्ति के अपराधी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सिख विचार परंपरा के अनुसार जहांगीर ने अपने हठ धर्म के आवेश में आकर यह कृत्य किया, गुरु को पार्श्व यंत्रणा देकर मार दिया गया बताते हैं। संभवतः यह आरोप निराधार है, परंतु यह बात सत्य है कि गुरु के वध से सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब के समय यह विद्रोह और अधिक भड़क गया। खुसरो के आगरा से भागने के एक माह के भीतर ये जहांगीर ने पूरा उपद्रव शांत कर लिया। इस विवेक कार्य में जिन व्यक्तियों ने उसका सहयोग किया उनको उचित पुरस्कार देकर आगरा लौट आया, परंतु जैसे निकट संबंधी द्वारा किए गए इस विद्रोह का परिणाम शुभ न हुआ, यद्यत दूसरे विप्लव भी राज्य में हुए, जिनमें से सर्वप्रथम बीकानेर के राजा राय सिंह का था। वह 5,000 मनसबदार था और मुगल दरबार की सर्वश्रेष्ठ सरदारों में था। शाही रमणियों को वह अपने संरक्षण में पंजाब ले जाने का काम उसे सौंपा गया, परंतु वह रक्षण कार्य मथुरा में ही त्याग कर बिना आज्ञा बीकानेर चला गया। यानी उसे शाही रमणिया थी उसे लेकर लाहौर जाने के लिए कहा गया, किंतु वह रास्ते से ही बीकानेर लौट आया जहाँ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। उसने नागौर पर अपना अधिकार जमाया, राजकीय सत्ता का उल्लंघन किया। राय जगन्नाथ कछुआ उसके दमन कार्य के लिए भेजे गए। उसने राय सिंह को परास्त किया और दरबार में उपस्थित किया। जहांगीर ने उसे क्षमा कर दिया कि उसे मनसब और पद उसे बहाल कर दिए। बिहार का संग्राम नामक अल्प शक्ति जागीरदार ने भी खुसरो के विरुद्ध उचित लाभ उठाकर अराजकता पैदा कर दी। इस प्रकार उसे बिहार के महाप्रदेश जहांगीर कुली खान ने परास्त किया, परंतु खुसरो के देशद्रोही जनित देश की आंतरिक अशांति सबसे महत्वपूर्ण प्रभावित हुई। फारस के शाह पर पड़ा, जिसने अवसर पाकर कांधार विजय के लिए एक पग आगे बढ़ाया। इस प्रकार खुसरो का जो विद्रोह था वह राज्य के लिए अच्छा नहीं हुआ। राय सिंह ने विद्रोह कर दिया, बंगाल में विद्रोह हो गया, इसी प्रकार अन्य स्थानों पर विद्रोह हो गया। कांधार के जो शाह बेग थे फारस के जो शाह बेग थे उन्होंने कांधार जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि बादशाह आंतरिक अशांति में उलझा हुआ था। अतः उसने उचित अवसर की प्रतीक्षा की और उसे उचित अवसर मिल रहा था, अतः वह आगे बढ़ा। इस प्रकार हमने देखा जहांगीर का राज्याभिषेक, उसका अपने कृपा पात्रों पर विशेष दृष्टि होना, नेक्स्ट खुसरो का विद्रोह आदि बातों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज की क्लास में इतना ही, आगे जहांगीर पार्ट 2 में हम इसका और विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।